हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, Narpoli, Bhiwandi. Hello friends, मैं जुल्फिकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर शोएब खान गुड्डू ने अभी अभी आयुक्त साहब से मुलाकात की और भिवंडी के मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने खास मुद्दा रखा भिवंडी की सड़कों को लेकर, भिवंडी की सड़कों पर जो खड्डे हैं उसे जल्द से जल्द बनाने पर बात की और उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया। आयुक्त साहब ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि PWD और MMRDA के अंतर्गत आता है काम, और साथ ही साथ शोएब गुड्डू खान ने उन्हें भिवंडी में जगह जगह फैले हुए कचरे के बारे में भी कहा और ये कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर काम ना हुआ तो वो जल्द ही एक बड़ा मोर्चा निकालेंगे। हमारे चैनल से बात करते हैं शोएब खान गुड्डू साहब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन लेकर हम भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर के पास गए थे। भिवंडी शहर के अनेक मुद्दे थे और आज भिवंडी शहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है रोड रास्ते को लेकर, आज पूरे शहर के अंदर खड्डा है, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो, कोई हालत दोनों तरफ है। बीच में आपने देखा होगा थाना रोड पे ऐसा स्कूल के पास छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ और कितने NGO और कितने लीडर लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं ताकि इस शहर का सुधार हो जाए, लेकिन अभी तक इस शहर का कोई सुधार हुआ नहीं। खड्डे वजह की वजह से आज खड्डे की वजह से कितने लोगों के कि इस समय में दर्द हो रहा है, कमर में तकलीफ हो रही है और खड्डे की वजह से कितने बाइक हैं वो गिर जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, बहुत से अनेक अनेक प्रॉब्लम हो रहे हैं। जहाँ जो रास्ता 5 मिनट तक में आदमी पहुँचना चाहिए वहाँ 20-25 मिनट लग रहे हैं पहुँचने के लिए, और जो बेचारा बीमार है हॉस्पिटल को जाना है उसको ले जाने में तकलीफें हो रही हैं, तो और खासकर बच्चों को जो रिक्शा में स्कूल के बच्चे जाते हैं या बस में जाते हैं ट्रैफिक के लिए 3-3 घंटा वो फंस जाते हैं, और जो खड्डे की जो बस रिक्शा बस या गाड़ियाँ हिलती है उसको तकलीफें अलग हैं। तो ये सब देखते हुए आज हम कमिश्नर साहब से मुलाकात की, उनको बताया कि आपको ये खड्डे का इलाज क्यों नहीं कर रहे, ये खड्डा कब तक भरा जाएगा उसका हमको टाइम दिए, नहीं तो हम उसका आंदोलन करेंगे। उन्होंने एक ही बात कहा कि भाई कुछ रास्ते इसके 52 रोड जो है लिमिटेड रोड है वो MMRDA के अंडर में आता है, वहाँ महानगर पालिका खर्चा नहीं कर सकती, लेकिन हमने ये कहा कि डामरी रोड जहाँ पे वहाँ तो कॉर्पोरेशन खर्चा कर सकती है। और आपको बता दूँ कि मार्च और अप्रैल के अंदर 2 करोड़ का रोड की डामर रोड की दुरुस्ती के लिए महानगर पालिका से पैसा दिया गया था, और जैसे पहली बारिश हुई वो पूरा रोड पूरा बह गया, तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर, जो हमने मांग किया उसमें कार्रवाई होना चाहिए। बड़ा आज हमने कमिश्नर को बहुत ही सख्ती से कहा है कि जो भी खड्डे हैं वो जल्द से जल्द भरे जाए, और सामने गणपति का त्यौहार आ रहा है, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है, ऐसे अनेक त्यौहार सामने आ रहे हैं और उसके अंदर बगैर खड्डे भरे तो चलने वाला है नहीं। इन्होंने वादा किया है कि एक झटके में तो पूरा काम हो सकता है, लेकिन हमको 10-15 दिन का टाइम दीजिए, हम 10-15 दिन अंदर पूरा भिवंडी शहर का जो झटके हैं वो पूरा कर देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। कमिश्नर साहब ने वादा किया है अगर वो 10-15 दिन का टाइम दिए हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर चंद्र पवार साहब की पार्टी की तरफ से हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। दूसरा हमारा विषय था कचरा को लेकर, आज पूरे शहर में कचरा का अंबार है और खासकर शरम एरिए में आप झोपड़पट्टी एरिए में चले जाइए, जहाँ पत्ता रास्ता है पत्ती गलियाँ हमारा वहाँ साफ सफाई होती नहीं है, वहाँ आप जाके देखिए कितने लोग बीमारियों से परेशान है, डायरिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, और आज लोगों का पैसे नहीं है कि जाके दवाइयाँ खरीद सके। आज तो देश के हालात और शहर के हालात चल रहे हैं, तो इसके लिए हमने साफ सफाई की मांगनी की है। तीसरा दवाइयाँ
अपना हुआ जो मारा जाता था और गलियों में या रास्ते पे या घरों के आजू बाजू में वो धुआं मारा नहीं जा रहा है, पाउडर नहीं उनको छिड़का जा रहा है, पाउडर छिड़कने से कम से कम गैसें मरती थी, ये सब जो बंद है, ये सब जो है जल्द से जल्द इस शहर के अंदर ये काम होना चाहिए पाउडर को लेकर और धुआं मारने को लेकर। या और बहुत जगह गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी उन्होंने बताया कि इस टाइम का जो पानी जहाँ इस टाइम का पानी आता है वो फिल्टर के ऊपर पूरी मट्टी जम गई, उसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है और जल्द इस टाइम पानी जो है साफ हो जाएगा, पानी साफ आएगा। और जो वड़ा देवी से पानी आता है उसके अंदर पूरी फिल्टर लगाया जा रहा है पानी की, वो आश्वासन ही मिलता है, बाकी काम तो होता नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात है वड़ा देवी के अंदर गंदा पानी आ रहा है, वो नाले का पानी आ रहा है और लोग वही पानी पीते हैं, बहुत शर्म की बात है। वही पानी आने का पालिका के कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया जाए तब उनको समझ में आएगा कि क्या होती है तकलीफ। तो ये सब बातें को लेकर हमने अपनी बातें रखी हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की आज बारिश होती है, आप देख लीजिए चैम्बर बहुत एरिए में नहीं है और गटर के ऊपर नाले के ऊपर चैम्बर नहीं है और चैम्बर ना होने की वजह से पानी जब भरता है तो दिखता नहीं है, बाइक उसके अंदर से चली जाती है, उसमें एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग का पैर फ्रैक्चर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, सर उड़ जाता है। तो चैम्बर लगाने की मांग की है, कितने गटर बह रही है, गटर दूसरी करने की मांग की है। ये सब मुद्दों को लेकर आज हमने कमिश्नर से बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द ये सब करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब भी मनपा आयुक्त ने इससे पहले भी कई बार अन्य पार्टियों को कुछ टाइम देकर के टाला था कि इतने दिन का काम हो जाएगा, लेकिन अभी भी काम नहीं होता। आपको जो आश्वासन दिया है अगर इसके खिलाफ काम होता है, यानी इससे लेट होता तो आप क्या करें? देखिए महानगर पालिका की कहीं ना कहीं कमियाँ हैं और ये चूवन देने में बहुत एक्सपर्ट है, खास कर हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छा चूवन दे के भेज देते हैं, बात करने का ट्रिक उनका बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर राष्ट्रवादी पार्टी को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम पहले बात करते हैं और जब बात करने के बाद भी काम नहीं होता तो हम अपने अंदाज में जैसे काम करवा के लेना है इंशाल्लाह काम करवा के लेंगे। सर एक और सवाल, भिवंडी के जो सांसद हैं सुरेश माथे, उन्होंने भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोका है राष्ट्रवादी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है क्या ये आपको हो सकती है? और एक अध्यक्ष नाटी मैंने भी मांगनी किया है कि हमारे पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से अधिकारी को मिलना चाहिए और दो तरफ से निकलता एक तरफ से हमारा हक बनता है, हमारा खासदार है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमको एक न एक सीट अपना अधिकारी को मिलेगी। कैंडिडेट कौन होगा? पार्टी फैसला करेगी, पार्टी जिसको फैसला करेगी वो हमको मंजूर। ने भी एक अहम मुद्दा कमिश्नर के सामने रखा था, क्या मुद्दे थे? भिवंडी शहर के खास करके स्लम एरियों में शौचालय का मुद्दा बहुत भयानक हो गया है, महिलाओं को देर रात तक दूर जैसे शौचालय के लिए जाना पड़ता है, जो नजदीकी शौचालय है वो टूट गए, शौचालय की बहुत खस्ता हालत है। वार्ड नंबर 12 में जहाँ बालवाड़ी है वहाँ का जो शौचालय था वो जब हम लोगों ने दुरुस्त करने को कहा तो उसको धोखादायक बता के मनपा ने तोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट रखने की मांग की तो वो भी जो है महानगर पालिका ने किया नहीं है। आज हम लोग हमारा शिष्टमंडल हमारे अध्यक्ष माननीय सोहेब बुद्ध साहब इनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे कमिश्नर साहब से बात की है तो कम से कम वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट जो है रखने की बात उन्होंने मंजूर की है और वो जल्द से जल्द वहाँ पे रखा जाएगा। मैडम वार्ड नंबर 12 में आपने कहा तो वार्ड नंबर 12 में एक शौचालय है 16 लाख की निधि से बना था, वहाँ के नगर सेवक द्वारा बनाया गया था, वो 6 महीना भी नहीं चला और उसको ताला मार दिया गया। देखो तो आप जो बोल रहे कि कौन से शौचालय को ताला मारा है ये तो मैंने देखी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज़ के शौचालय को लेकर हमेशा मैंने शौचालय का सर्वे किया और उसके लिए मैं लड़ती रही हूँ। अगर कोई शौचालय ऐसा है जो ताला मार के रखा है तो मेरे को बताओ, हम जाके वो ताला तोड़ते हैं और शौचालय चालू हो जाएगा।